हेलो डियर्स, नमस्कार। आज आप टाइम्स ऑफ नाउन का पांचवा पार्ट, पांचवा और अंतिम भाग पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए, पांचवा भाग है अव्यवस्थित नाउन। अव्यवस्थित नाउन की हिंदी है भाववाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन अव्यवस्थित नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। हिंदी में भावाचक संज्ञा वह नाउन है जिससे गुण, क्रिया जिसको कार्य विधि या अवस्था प्रकट होती है, उसे भावाचक संज्ञा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण में ए, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। बी, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। सी, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। अब इसके जो अंडरलाइंड वर्ड है वो अव्यवस्थित नाउन है, जिसे हमने फिर लिखा ऊपर के वाक्यों में अनेस्टी, विजडम, स्ट्रेंथ। सी सेंटेंस में हेल्थ, हैप्पीनेस का प्रयोग अव्यवस्थित नाउन की तरह हुआ है। तो ये तो रहे अव्यवस्थित नाउन के कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल आपके सामने। इसकी विशेष बातें ध्यान में रखने योग्य बातें ये है कि अव्यवस्थित नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर, एक वचन और न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग में होता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। कंपटीशन वगैरह में ये सब चीजें ज्यादा पूछी जाती है। अव्यवस्थित नाउन्स ऐसे गुण, क्रिया या अवस्था को प्रकट करते हैं जिन्हें न तो देखा जा सकता है न चखा या सूंघा जा सकता है। जैसे अव्यवस्थित नाउन में देखिए तीन पार्ट है, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। क्वालिटी देखिए, हार्ड से हार्डनेस, हार्ड क्या होता है एडजेक्टिव, हार्ड से हार्डनेस, सॉफ्ट सॉफ्टनेस, ब्रेवरी, विजडम, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। गुण हो गए आपके, तो गुण जो भी होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एक्शन क्रिया, वर्ब जैसे एक्टिविटी, रेस, थेप्ट, जजमेंट एटसेट्रा। तीसरा स्टेट, स्थिति, अवस्था। यहां देखिए स्थिति अवस्था स्टेट में इनलेस बीमारी, सैडनेस दुखी, मैडनेस पागलपन, बॉयहुड बाल्यावस्था, चाइल्डहुड बचपन, डेथ मृत्यु वगैरह वगैरह। अब यहां से ध्यान दीजिए, मैं मुख्य पॉइंट जो लिए थे एक दो, अब इसका अब तीसरा पॉइंट देखिए। अव्यवस्थित नाउन प्रायः वर्ब, एडजेक्टिव या कॉमन नाउन से बनते, ध्यान दीजिएगा। अव्यवस्थित नाउन कौन सी तीन चीज से बनते हैं, वर्ब से या एडजेक्टिव से या कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जैसे बॉय, बॉयहुड, चाइल्ड, बॉय आपका कॉमन नाउन है तो बॉयहुड जोड़ दिए, चाइल्ड कॉमन नाउन है चाइल्डहुड जोड़ दिए, तो यह अव्यवस्थित नाउन बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। ये चीज यहां आपको क्लियर हो जानी चाहिए।
कि एबस्ट्रैक्ट नाउन्स प्रायः क्रिया विशेषण या कॉमन नाउन्स जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे वर्ब से कैसे बन रहे हैं, ओबे, ओबे वर्ब है, आज्ञा का पालन करना, जिस शब्द के अर्थ में अंत में ना आ जाए, समझ लीजिए मोस्टली वो वर्ब है। अब जितना भी एग्जांपल आप ले लीजिए, खाना पीना दौड़ना रहना लिखना पढ़ना देखना सोना हंसना ना आएगा तो समझ लीजिए क्रिया है। अब देखिए यहां पर वर्ब ओबे आज्ञा मानना, तो ये तो हो गया वर्ब। अब वर्ब से एबस्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, यहां देखिए ओबेडियंस, ओबेडियंस आज्ञा पालन, ये भावाचक संज्ञा हो गया। एक दूसरा आप देखिए वर्ब ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, इससे ग्रोथ वृद्धि वर्ब से हो गया। बी एडजेक्टिव से देखिए, एडजेक्टिव से अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, एग्जांपल के तौर पर काइंड लिया गया, काइंड मीन्स दयालु, कैसा है दयालु है। विशेषण पाने के लिए कैसा शब्द से क्वेश्चन कर दीजिए, विशेषण आपको निकल आएगा। दयालु से नेस जोड़ दिया, काइंडनेस, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया दयालुता। अनेस्ट देखिए, अनेस्ट ईमानदार, अनेस्ट से अनेस्टी ईमानदारी। इसमें खासियत है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव से बनते, यहां बन रही अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से बनते। और लास्ट तीसरा देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड बच्चा से चाइल्डहुड बचपन, स्लेव दास गुलाम, स्लेव से स्लेवरी दास्ता, इस प्रकार से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूर्ण हुआ। अब फिर हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक आपको ऐसा लगे कि कुछ न कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।